वेलकम टू टैकोडाइल। आपने इंटरनेट के ऊपर रोनाल्डो के वॉइस क्लोन बहुत ज़्यादा देखे होंगे और आप ये सोच रहे होंगे हम जो है इस तरह के वॉइस क्लोन कैसे बना सकते हैं। ये आजकल बहुत ही पॉपुलर हैं और हर दूसरे जो मेन पेज है उसने अपनी पेज के ऊपर इसकी रोनाल्डो की जो क्लोन है उसकी वीडियोस लगाई होती हैं। तो हम इसको प्ले भी कर लेते हैं और आज मैं आपको इस वीडियो में तरीका भी सिखाने लगा हूं कि आप फ्री में ये कैसे बना सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा इस तरह के ऐप और सॉफ्टवेयर हैं जो कि इस तरह के क्लोन बनाते हैं मगर वो पेड होते हैं। मैं आपको आज जो तरीका सिखाऊंगा उसके ज़रिए आप फ्री में इस तरह के वॉइस क्लोन बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको प्ले कर लेते हैं और ये देखते हैं कि ये कह रहे हैं सलमान भाई बोलो पेंसिल पेंसिल आपकी शादी कैंसिल। अरे मोदी जी सलमान भाई की शादी तो फिक्स होने दो फिर कैंसिल करना। तो इस तरह की बहुत ज्यादा फनी मेम्स होती हैं और ये बहुत ज्यादा पेजेस यूज कर रहे होते हैं। तो आपने करना ही है कि अपने गूगल ब्राउजर पे जाना है या कोई और जो ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं और लिखना है सर्च बार में हगिंग फेस। हगिंग फेस जो है एक फ्रेंच अमेरिकन कंपनी है जो कि यूजर्स को अलाउ करती है कि वो मशीन लर्निंग जो ऐप होती है वो अपने उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर रन करें। इसके बाद आपके पास ये जिस तरह की वेबसाइट यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएगी इसके ऊपर कर लेना है आपने क्लिक और ये आपको मेन पेज पे ले जाएगा। आपने इस सर्च बार में लिखना है COQUI और नीचे मूव करना है जहाँ पे आपको दिखने लग जाए स्पेस। जैसे ही आपको स्पेसेस यहाँ पे नज़र आ जाएंगे वहाँ पे आपने क्लिक करना है XTDS। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये इससे जो स्पेस किया है मेन पेज पे ले जाएगा। तो यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि ये कह रहा है कि टेक्स्ट टू स्पीच एंड वॉइस क्लोनिंग मॉडल है और यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं। अच्छा, तो आपने ये जो ऑप्शन है इनको ज़रा गौर से सुना है तभी जाके जो आप हैं अच्छे से वॉइस क्लोन बना सकेंगे। देखें यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट नज़र आ रहा होगा, आपने यहाँ पे इंटर करना है वो जो लफ्ज़ हैं जो आप उस करेक्टर से बुलवाना चाह रहे हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास डोनाल्ड ट्रंप की अगर आपके पास वॉइस सैंपल है उससे कुछ चीज़ बुलवाना चाह रहे हैं या किसी और रोनाल्डो से कुछ बुलवाना चाह रहे हैं तो आपने वो चीज़ जो है यहाँ पर लिखनी है और यहाँ पे आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। अच्छा, आपने जो इस प्रॉम्प्ट में लिखें वही लैंग्वेज यहीं पे सेलेक्ट करनी है। अब ये इंग्लिश में लिखा हुआ है तो यहाँ पे हमने जो लैंग्वेज सेलेक्ट की हुई है वो भी इंग्लिश है। फ़र्ज़ करें अगर हम यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो आपने जो इस प्रॉम्प्ट में चीज़ होगी वो भी हिंदी में लिखनी होगी। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो चीज़ आप इधर प्रॉम्प्ट में लिखें वही चीज़ आपने यहाँ पे लैंग्वेज में सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है रेफरेंस ऑडियो। रेफरेंस ऑडियो उस सेलिब्रिटी या जो करेक्टर है वो उसकी होगी और कोशिश करें कि जो रेफरेंस ऑडियो हो ये 3 मिनट से ज़्यादा हो तभी जाके जो वॉइस क्लोन है वो अच्छे से बनेगा। एक और ऑप्शन है रिकॉर्ड फ्रॉम माइक्रोफोन, ये भी आप कर सकते हैं और उसके बाद आपने एग्री करना है और सेंड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये आप कह रहे होंगे ये जो रेफरेंस ऑडियो है ये हम कहाँ से डाउनलोड करें, ये देखें आप यूट्यूब से भी उस जो करेक्टर या सेलिब्रिटी है उसकी वॉइस डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर एक और वेबसाइट भी है जहाँ पर डिफरेंट जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके वॉइस के सैम्पल पड़े हुए हैं जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका मैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा तो आप इसको ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट है इलॉन मस्क के सैंपल पड़े हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप के सैंपल पड़े हुए हैं और एंड्रयू टेट वगैरह के सैंपल हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का सैंपल ओरिजिनल कैसा है और उसको हम डाउनलोड करके आप इसको इस तरह राइट क्लिक करके डाउनलोड करके सेव ऑडियो करके उधर हम अपलोड करेंगे। तो उसको हम प्ले कर लेते हैं। तो आपने इस तरह जब ये आप सेव कर लें डाउनलोड कर लें तो आपने इस रेफरेंस की जगह इसमें अपलोड कर देना, इसको आप यहाँ पे क्रॉस कर दें और जैसे ही आपके पास वो ऑडियो हो तो वो आपने अपलोड कर देनी। इसके बाद आपने यहाँ पे एग्री के ऊपर क्लिक करना है और सेंड कर देना। तो जैसे ही आप सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कुछ देर बाद आपको ऑडियो वो क्लोन करके दे देगा। यहाँ पे उसने हमें ऑडियो जो है क्लोन करके दे दिया और हम ये देखते हैं कि ये कितनी परफेक्ट है। तो हम इसको प्ले कर लेते हैं। स्टे ब्लेस्ड सर, यू आर मोटिवेशन फॉर हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ यंग फ्रीलांसर्स आउट हियर। तो अच्छे तरीके से जो है ऑडियो को क्लोन किया है और जो चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है तकरीबन उसी तरह की वो जो टारगेटेड सेलिब्रिटी है वो बोल रहे हैं। तो अगर आपके पास अपनी जो क्लोन है सैंपल पड़े हुए हैं किसी करेक्टर के वो यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे जिस तरह ये रोनाल्डो के हैं और डिफरेंट मेसी के हैं इनके पास, तो ये भी आप अपलोड कर सकते हैं। मगर ये है कि आपने तरीका सीख लिया है कि ये कैसे आपने बनानी है। तो आप ये इसको ट्राई करें और अगर आपको कोई इशू आता है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें।